उस बारे में क्या बोलना चाहिए? कौन सी बहस के बाद? रितेश जी और केसरी जी, क्या हुआ? किस टॉपिक को लेके? मुझे एक्चुअली हम अपने काम में इतने गुम रहते हैं कि हमें बाहर का पता ही नहीं। कई बार गॉसिप को अभी मेरे को भी सुनने में आया, कुछ कोई बोल रहा था कि दो एक्टरों में झगड़ा हुआ है, ये है वो है, गाने को लेके, एल्बम को लेके, पता नहीं क्या। मेरे को तो कुछ पता ही नहीं है इस बारे में। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में वर्क जरूर कर रहा हूँ, मैं यहाँ के विवादों से दूर रहता हूँ, मैं अपने काम पर ध्यान देता हूँ। और मैं विवाद करने वालों को यही कहता हूँ, कभी मेरे सामने आया, मैंने इसके पहले इंटरव्यूज दिए हैं, मैंने जो विवादों को जिसकी जानकारी, इसकी तो जानकारी नहीं है मेरे पास, इतना जरूर कहूँगा कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री एक बहुत ही प्यारी सी धरोहर है, इसे सजाओ, इसे आगे बढ़ाओ, इसे किसी भी बेवकूफाना हरकत से शर्मिंदा मत होने दीजिए बस। और आप अपने काम पे फोकस कीजिए, फालतू की गॉसिप में रहेंगे, फालतू की विवाद में रहेंगे तो सिर्फ टाइम वेस्ट है। और बाहर वालों को सुनने भी आएगा कि भोजपुरी के कलाकार आपस में लड़ रहे हैं। एक चीज मैं जरूर देखना चाहता बोलता हूँ कि हमारे यहाँ के काफी फेमस, चूंकि जो एक्टर्स हैं वो चाहे हीरो हो चाहे विलन हो, आप छोटी छोटी बातें फेसबुक पे जाके लिख देते हैं, ये मैं पेमेंट नहीं मिला ये लिख दिए, ये नहीं मिला ये फेसबुक पे लिख दिए। आपको बाहर के लोग देखते हैं, फॉलो करते हैं कि यार ही इज द सुपरस्टार विलन ऑफ भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री, ही इज द सुपरस्टार ऑफ सुपरस्टार एक्टर एंड दिस एंड दैट। और हमारी छोटी छोटी बातों को वो लोगों तक पहुँचाना जो लोग जानते ही नहीं, जिनके लिए हम स्टार हैं, आप नंगा कर रहे हैं इंडस्ट्री की छोटी। बॉलीवुड में भी बहुत सारे ऐसे प्रोड्यूसर्स होंगे जो एक्टरों को काम करा करके पैसे टाइम पे नहीं दिए होंगे, बहुत सारे केसेस होते हैं, लेकिन वो लोग बहुत रिजर्व रहते हैं, दर्शक उनके लिए सिर्फ दर्शक हैं, वो सोशल मीडिया पे आकर के ये नंगा रोना नहीं करते हैं। लेकिन अगर ये है तो एडवाइस मैं जरूर देना चाहूँगा कि अपनी बातें अपने तक रखें, दर्शकों तक ना पहुँचाएं।